हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने साइफन एक्वेडक्ट के डिज़ाइन स्टेप देख लिया है, अब हम इसका डिज़ाइन करेंगे। ये जब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, एक डिज़ाइन न्यूमेरिकल का, तो हमें इसके जो डिज़ाइन स्टेप हमने देखे थे, बहुत सारे डाउट रह गए होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे पास है ये प्रीवियस ईयर MDU की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सारे दिखा दूंगा जो साइफन एक्वेडक्ट से पूछे हुए। एक ये रहा, इसमें डिफरेंट पूछे हुए, कितना पूछते हैं और कितना आपको लिखना है, मैं आपको बता दूंगा आपको अच्छे मार्क्स पाने के लिए। जितना तक है ना, मैंने बताया था थ्रू तक का डिज़ाइन तक लास्ट तक आपको छोड़ देना, या कहीं में सिर्फ लेवल तक पूछते हैं। तो मैं आपको कुछ टाइप क्वेश्चन दिखा दूंगा और उनके सॉल्यूशन दिखा दूंगा एक बार फटाफट। पहले ये एक न्यूमेरिकल हम अच्छे से करेंगे, ताकि आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाए और सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें डाटा गिवन है, डिज़ाइन साइफन एक्वेडक्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो डिस्चार्ज ऑफ कैनाल गिवन है, हमारी कैनाल का डिस्चार्ज गिवन है हमें। बेड विड्थ ऑफ द कैनाल गिवन है। डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनाल गिवन है, हमारी जो वाटर की डेप्थ होगी कैनाल के अंदर, वो सारी ये सारी चीज़ें गिवन है हमें, ठीक है। हाई फ्लड डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज, ये हमें ड्रेनेज का डाटा गिवन है, और ये हमें कैनाल का डाटा गिवन है HR, ठीक है। और ये सारा ड्रेनेज का, तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें डिज़ाइन करना होता है डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटर वे। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटर वे, जिसमें पता है लेसी का जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट क्यू, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज है, ठीक है, अंदर। तो हम पहले ड्रेनेज का कर रहे हैं, तो हमें ड्रेनेज का डिस्चार्ज लेना पड़ेगा, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हाई फ्लड लेवल डिस्चार्ज ऑफ ड्रेनेज, हमें गिवन है कितना 400, ठीक है, 400 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें डिस्चार्ज गिवन है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे उसकी वैल्यू, तो हमारा कितना निकल के आएगा, जो हमारा लेसी पैरामीटर से वेटेड पैरामीटर निकल के आया वो कितना है 95 मीटर। तो 95 हमारा वो निकल के आ गया हमारा वेटेड पैरामीटर। तो अब हम या इसके आसपास जो है ना, हम एक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे इसके आसपास, ये मतलब हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है। नॉर जनरली इसके कम ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ले लेते हैं कम आसपास, जैसे हमने 100 ले लिया, इसका हम 90 ले सकते हैं, 90-100 इसके आसपास हमें वैल्यू कंसीडर करके चलना है, क्योंकि हमारी इतनी चौड़ाई की हमारी वो होगी ड्रेनेज, ये हम मान के चलेंगे, तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा सेफ्टी के लिए, ठीक है। प्रोवाइड 12 स्पैन या फिर बे बोल देते हैं, अभी मैं इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। हम 12 स्पैन को लेंगे, ये हमें अपने आप सोचना है कितना लेंगे, 95 आया ना, तो हम कितनी बे लेंगे और कितने पियर्स लेंगे खुद सोचना हमें। तो इनकी जो लेंथ है ना, वो हमें आसपास ही लेनी है, 5 से 7 मीटर के आसपास ही लेनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमें सब 5 से 7 मीटर के पास, आपको इतने के पास ही लेनी है, ज़्यादा गैप नहीं देना इनके बीच में भी, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पियर्स के बीच में भी। तो 5 से 7 के पास आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो लिया है वो है प्रोवाइड 20 स्पैन या फिर बेबी बोल देते हैं इनको, कितना 7 मीटर ईच सेपरेटेड बाय 11 पियर्स। हमेशा जो पियर्स होंगे ना, वो स्पैन से हमेशा एक कम होगा, अभी मैं डायग्राम से दिखा दूंगा। और ईच ऑफ 1.5 मीटर थिक, और हर जो पियर्स होगा, मतलब ये पिलर बोल देंगे बोलना चाहे तो, ये जो होंगे ना, ये हमें एक कम होगा, और इसकी जो थिकनेस है ना वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे ये हमारी कैनाल है ऊपर, ठीक है, और ये हमारी ड्रेन है, तो मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ यहाँ का, यहाँ पर नीचे पिलर होंगे हमारे, पियर्स होंगे मतलब ये, ठीक है। और जो स्पैन है ना, वो ये जो स्पैन बोला है मैंने, ये 12 जो स्पैन लिया है, ये 12 मतलब ये है, एक दो पियर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, 3 4 ऐसे करके ये 12 है, और लास्ट में हमारी यहाँ पर जो होती है ना बिल्कुल, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये जैसे आखिरी, ये तो 12 हो गए यहाँ तक, ये लास्ट में हमारी अबेटमेंट होती है, ठीक है, अबेटमेंट होती है, ये यहाँ पर बनी होगी, ठीक है, हमारी अबेटमेंट होती है यहाँ पर, एक यहाँ पर बनी होगी, ठीक है, लास्ट में हम ज़्यादा सेफ्टी देते हैं, ताकि यहाँ सॉइल इरोजन ना हो सके, और बैंक भी बना देते हैं जिससे हमारी अबेटमेंट होती है यहाँ पर,
और ये बीच में पियर्स होते हैं। इन ये टोटल हमारे कितने स्पैन हो गई, हमारी 12 स्पैन हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे कर करके ये बीच की जो स्पैन है ना 12 हो जाएगी। पर जो ये होंगे ना हमारे पियर्स, वो हमारे उससे एक कम होगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारी 3 स्पैन है, ठीक है 3 स्पैन है, तो हमारे पियर्स कितने होंगे इसमें 2 होंगे। वो कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारा है तो 3 हमारे क्या है स्पैन है, तो हमारे 2 पियर्स है और यहाँ लास्ट में हमारी अबेटमेंट आ गई, ठीक है ये अबेटमेंट आ गई। तो स्पैन कितनी हो जाएगी, ये जैसे 2 पियर्स है तो 1 2 3 स्पैन आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी 12 स्पैन है तो 11 पियर्स हो जाएंगे। और पियर्स की जो थिकनेस मानी है वो कितनी है, 1.5 मीटर और ये 7 मीटर। आप एक बार एक न्यूमेरिकल करेंगे ना उसी से आपका इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ द क्लियर वाटर वे, तो क्लियर वाटर वे कितना हो जाएगा हमारा, इस अगर हम जो स्पैन लेंथ है हमें वो बतानी है तो कितनी स्पैन है टोटल 12, और उसको हम 7 से इंटू कर देते हो हमारी 84 आ जाती है क्लियर वाटर वे। यही तो हमारा क्लियर वाटर वे है, यहीं से आराम से पानी पास कर रहा होगा इनके अंदर से, यहाँ सर इनके बीच से कर रहा होगा ना। पियर्स की थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी जो स्पैन की है ना उसको हम बता देंगे। क्लियर वाटर वे कितना आ गया हमारा 84 मीटर, ठीक है ये जो क्लियर वाटर वे है वो हमारा 84 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लेंथ ऑक्यूपाई बाय पियर्स, तो हमारे पियर्स ने कितनी लेंथ ऑक्यूपाई किया, हमारे 11 पियर्स है उसको उनकी थिकनेस से इंटू कर देंगे 1.5, तो 16.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द वाटर वे तो वो कितनी हो जाएगी 84, जो ये हमारी बिल्कुल क्लियर वाटर वे की, और हमारी पियर्स की लेंथ 16.5 तो कितनी हो जाएगी 100.5, जो हमारी किससे 95 के पास ही है ना, हमने अप्रोक्सीमेट लिया था। तो इससे अगर थोड़ा सा कम आता है ना, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा कम आता है तो भी चल जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो भी चल जाएगा। तो 5-7 मीटर का अगर गैप आता है इतने ही मीटर का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी ये आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द वाटर वे, हमारी कितनी कंसिडर लेके चल रहे हैं हम 100.5 मीटर, ये लेंथ है, ठीक है। ये जो लेंथ लेके चल रहे हैं ना वाटर वे की, जो ड्रेनेज की है, ये 100 पियर्स और हमारा क्लियर स्पैन को ऐड करने के बाद तो हमारी कितनी आ गई 100.5 मीटर। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो जाएगा। अगर हमको ज़्यादा डीप ये स्टेप हमें करना नहीं है, इतना डीप हमारा पूछेगा नहीं, ये हमें टाइम कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट करना है जिससे हम ज़्यादा मार्क्स निकाल सके। तो ये आप बोलेंगे, आपका इतना डीप पूछा जाता है और आपके पास टाइम भी होता है तो मैं बता दूंगा और आप कर सकते हैं, तो मैं इन स्टेप को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके और भी स्टेप होते हैं, 2 स्टेप तो होते ही है और उनके बाद भी और 2 स्टेप होते हैं, पर हमें सिर्फ थ्रूट के डिज़ाइन तक करना है, उसके आगे नहीं जाना, ठीक है थ्रूट के डिज़ाइन तक। तो ये स्टेप हम छोड़ देंगे बैरल वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ ये जो मैंने ये छोड़ दिया इसको छोड़ देना है, बाकी अब हम डिज़ाइन ऑफ कैनाल वाटर वे देखेंगे स्टेप 2, ठीक है इसको देखते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल वाटरवे। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, कैनाल का वाटरवे। तो अभी तक हम वाटरवे हमने ड्रेनेज का डिज़ाइन कर लिया, जैसे ये हमारी ड्रेनेज है, ऊपर की साइड हमारी कैनाल है, ये हमने वाटरवे इसका डिज़ाइन कर लिया। अब हम करेंगे कैनाल का वाटरवे। हमारी कैनाल जो होती है ना हमेशा जो बीच यहाँ पर होगी ना ड्रेन के ऊपर, वहाँ थोड़ी हमेशा पतली हो जाती है, पतली प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिकल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन पे स्प्ले प्रोवाइड करते हैं, उन स्प्ले को डिज़ाइन देखेंगे अभी हम। यहाँ पर हमारी जैसे नॉर्मल कैनाल इतनी चौड़ी होगी ना, तो यहाँ पर ले जाने के बाद उसकी विड्थ हम करीब हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है। जब हमारी ऐसे जाएगी हमारी कैनाल असली में, ऐसा दिखाता हूँ भाई, ये ऐसे जाती है हमारी पूरी कैनाल, यहाँ पर हम विड्थ उसकी कम कर देते हैं ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े, ठीक है। उसकी स्लैब जो हमें बनानी पड़े इकोनॉमिकल बनानी पड़े, हाइट तो हम सही रखते हैं ताकि ये इकोनॉमिकल पड़े, ऐसा हम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो बेड विड्थ ऑफ द कैनाल, तो वो कितनी हमारी 20 मीटर, जो बेड विड्थ है कैनाल की वो है हमारी 20 मीटर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। लेट द विड्थ ऑफ द फ्ल्यूम, फिर जो ये हम करेंगे ना जो ड्रेन के ऊपर जो हम कंस्ट्रक्ट करना है, जो स्लैब कंस्ट्रक्ट करनी है
कैनाल की, वो हम 50% ले लेते हैं, हमेशा 50% कर देना, जो यहाँ पर होगा उसका 50% हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं इसमें, पतला कर देते हैं, और हम इसको यही हमारा यहाँ से जाएगी नीचे ड्रेन जाएगी, ऊपर हमारी ये कैनाल है, ठीक है, 50% कर देते हैं इसको। तो ये हम फ्ल्यूम सेक्शन, ये हमारी फ्ल्यूम विड्थ बोल देते हैं इसको, ये फ्ल्यूम विड्थ है हमारी, या फिर फ्ल्यूम सेक्शन की जो विड्थ होती है वो हमारी 10 मीटर होती है, 50% ऑफ कैनाल विड्थ, ठीक है। तो हम इसे बी एन बोलते हैं, जो हमारी है ना ये विड्थ, इसको हम बी एन बोलते हैं, ये हमारी, ठीक है, ऐसी कैनाल हमारी डिज़ाइन होगी। यहाँ पर जो हम करते हैं ना वो है कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन, और यहाँ पर हमारा क्या होता है फिर जब हमारी कैनाल जाती है ड्रेन के ऊपर से पूरा क्रॉस कर लेती है, फिर हमारा होता है एक्सपेंशन ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लॉस भी होते हैं हमारे इस प्रोसेस में, और जो हमारे लॉस होते हैं उनको हमें अब सेक्शन वाइज कट करके इसका कैलकुलेट करेंगे अगले स्टेप में, इसमें सिर्फ हमें इस पोर्शन को डिज़ाइन देखना है थोड़ा। तो ये हमेशा हमारा जब होगा ना कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन में हमारा ये 2:1 का होता है ये स्लोप, ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा 3:1 का, ये हमें याद रखना है, 3:1 होता है हमारा एक्सपेंशन में, और कॉन्ट्रैक्शन में होता है हमारा 2:1, ये हमें याद रखना है, ये हमें डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। और ये हमारा बी एन होता है नॉर्मल विड्थ, नॉर्मल बेड विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है, नॉर्मल एन हम नॉर्मल से डिनोट करते हैं, ठीक है, बी एन, और ये हमारी बी एफ हो जाती है, ये होती है हमारी फ्ल्यूम विड्थ, ठीक है, फ्ल्यूम विड्थ होती है हमारी, ठीक है, ये इसकी 50% होगी, ठीक है, यहाँ पर भी बी एफ होगी और यहाँ पर भी बी एन वापस हो जाएगी, ये हमारी बी एन हो जाएगी वापस। तो इस स्टेप में हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस ये कितनी होगी और ये डिस्टेंस, ठीक है, इस स्टेप में हम करते हैं ये डिस्टेंस। तो प्रोवाइडिंग ए स्प्ले ऑफ 3:1, 3:1 हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन में, इन एक्सपेंशन द लेंथ ऑफ द एक्सपेंशन ट्रांजिशन कितनी होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है हमारी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एन माइनस बी एफ बाय 2 होता है हमारा Z1 या Z2, हमारा Z2 है, ठीक है, Z2 3 बोलते जो यहाँ पर होगा ना स्लोप, 3:1 है तो यहाँ पर 3 हो जाता है Z2, ठीक है, इसमें Z1 हो जाता है इस केस में, तो यहाँ हम 3 करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारी 15 आ जाएगी, तो हमारी जो 15 निकल के आती है ये लेंथ निकल के आती 15 मीटर, ये स्लोप प्रोवाइड करेंगे हम 15 मीटर तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 3:1 का ये ऐसे जाएगा हमारा स्लोप, और यहाँ पर हमारा वो भी बनता है, यहाँ पर हमारा इसका भी स्लोप होता है थोड़ा, और ये जो स्लोप जा रहा है ऐसे सीधा मान के चलते हम, ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा कर्व इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक और नीचे की साइड से भी हमारा स्लोप होता है, ठीक है, नहीं तो ये सीधा ही होता है, ठीक है, ये होता है हमारा 15 मीटर, और यहाँ पर कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे हमारा 10 मीटर आएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो प्रोवाइडिंग ए स्प्ले ऑफ 2:1 इन कॉन्ट्रैक्शन, ये हमें 2:1 याद रखना है हमेशा, यही यूज़ करेंगे हम हमेशा, द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन ये हमारी हो जाएगी बी एन माइनस बी एफ बाई 2 इंटू Z1, Z1 हमारा ये हो जाएगा रेशियो का 2, ठीक है, इसको डाल देंगे 20 माइनस 10 बाई 2 इंटू 2, ये हमारा 10 निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डिज़ाइन ऑफ लेवल एट डिफरेंट सेक्शन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो अब हमारा जो है ना लेवल है डिफरेंट सेक्शन को हमको डिज़ाइन करना है, मतलब डिफरेंट लेवल पे हमें बताना है वाटर का सरफेस किस लेवल पे होगा हमारा, मीन सी लेवल से, हम एक मीन सी लेवल मान के चलते हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बेड को ही हम एक टाइप से मीन सी लेवल उसको ही हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है, हमारा नहीं मीन सी लेवल से हमारा जो बेड लेवल अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना 160 दिया हुआ है शायद, वो हम एक रेफरेंस मीन सी लेवल से लेके चलते हैं, वो उसका रिड्यूस लेवल है 160, तो उस हम बेड के रिस्पेक्ट में ही हम बाकी सारी चीज़ को हम बता देंगे। जैसे हमारा होगा ना जैसे बेड होगा तो हमारा जब हमारा इसके अंदर जाएगा फ्ल्यूम के अंदर, फ्ल्यूम सेक्शन के अंदर जाएगा तो हमारा पानी का सरफेस किस साइड पे होगा, हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा होगा तो हमारा पानी का सरफेस किस लेवल पे होगा, और बाहर निकल रहा होगा तो पानी का या वो सेक्शन किस लेवल पे या फिर किस हेड पे होगा, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। और इसमें हम टोटल एनर्जी लाइन निकालनी होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है हमारी, हम वाटर सरफेस में जब हम क्या ऐड करते हैं, जब हम वेलोसिटी हेड प्लस कर देते हैं,
वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय टू जी, ये हमें याद रखना है। जब वाटर सरफेस में जब वेलोसिटी हेड को प्लस कर देते हैं ना, तो हमारा टोटल एनर्जी लाइन निकल आती है। तो ये हमें निकाल के दिखाने होते हैं, ठीक है। ये भी निकाल के दिखा सकते हैं, ये भी निकाल के दिखा सकते हैं। नॉर्मली हमें टोटल एनर्जी लाइन तो सबका निकाल के दिखाना होता है, बाकी हम ये भी दिखा सकते हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि डिज़ाइन में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ बतानी होती है कि हमारा पानी ऐसे जाएगा, इस लेवल पर होगा, इस टाइम पर बाहर जब हमारा एक्सपेंशन में पानी निकल रहा होगा तो इस लेवल पर निकलेगा, हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन जा रहा होगा इस लेवल पर जा रहा होगा, ठीक है। ये सब बताना होता है इसमें, यही काम होता है सिंपल। और ये हमें बी एक्स मतलब कि बीच में लेंथ कितनी होगी, ये हमारा अगले डिज़ाइन स्टेप में हम इसको देखेंगे बी एक्स को, अभी हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये 3:1 होता है। और जो हमें सेक्शन डिज़ाइन करने होते हैं ना, तो पहला हमारा फोर्थ सेक्शन होता है। फोर्थ सेक्शन से हम एक्सपेंशन के लास्ट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें आसानी होगी, फिर धीरे धीरे हम उल्टा जाएंगे, पहले फोर्थ सेक्शन को देखेंगे, फिर थर्ड सेक्शन को, फिर सेकेंड सेक्शन को, फिर फर्स्ट सेक्शन को, ठीक है। तो फोर्थ से हम करते हैं ना, तो निकालने में हमारे कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो हम एरिया ऑफ सेक्शन कैलकुलेट करने से पहले हम साइड स्लोप, ये साइड स्लोप जो होंगे ना, यहाँ पर यहाँ तक तो बिल्कुल रेक्टेंगल होता है हमारा ये सेक्शन, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल सा होगा 3D में देखे तो, पानी आ रहा होगा इस एरिया से बाहर, नीचे ये हमारी ड्रेन है, ठीक है, ये हमारी कैनाल है, ये पानी आ रहा होगा इस साइड को। तो यहाँ पर हमारा जो होता है ना, हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। ये स्लोप होता है, ठीक है। तो ये होता है हमेशा 1.5:1 का ही लेते हैं, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बेस्ट होता है। ऐसा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम इस साइड से अगर हम देखते हैं इसको, तो ये हमें कैसा दिखेगा, ये हमें दिखेगा ट्रेपीजियम शेप में। तो हमें उसी का एरिया निकालना होता है, ये हमें कुछ ट्रेपीजियम शेप में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्लोप दे दिया इसका, तो ये हमें कुछ ट्रेपीजियम शेप में दिखेगा, ठीक है। इस साइड से देखेंगे तो कैनाल हमें ट्रेपीजियम शेप में, इस साइड से देखेंगे तो कैनाल हमें ऐसी दिखेगी, और यहाँ पर हमें रेक्टेंगल शेप में दिखेगी, ठीक है। इस सेक्शन पे देखेंगे, हर सेक्शन पे देखना, हमें फोर्थ सेक्शन है हमारा, ठीक है। और ये लेंथ कितनी हमने निकाल ली है पिछले स्टेप में, 15 मीटर, ठीक है। और ये लेंथ कितनी आई हमारी, 10 मीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारा इस सेक्शन पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या ऐसा दिखेगा, ऐसे जा रहा होगा ना, यहाँ पर भी रेक्टेंगल और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें दिखेगा ट्रेपीजियम, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, सेक्शन 2-2 पे और 3-3 पे सेम होगा, सेक्शन 4-4 पे और हमारा सेक्शन 1-1 पे एरिया सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये कितनी हमारी विड्थ 10 है, वहाँ पर भी 10 है, ठीक है। तो ये हमारा सेम होगा, और स्लोप भी हम सेम दे रहे हैं 1.5 एंड 1 का, ठीक है। अभी हम देख लेंगे इसको, अच्छे से देख लेते हैं। अभी मैंने डायग्राम में समझा दिया हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो ये सब कैलकुलेट करना है और हमें इन एरिया का यूज़ होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ सेक्शन, हम पहले सेक्शन 4-4 को देखते हैं, ये सेक्शन 4-4 हमने ले लिया। तो एरिया ऑफ सेक्शन उसका जो साइड स्लोप है, ये साइड स्लोप हमारा, ठीक है, ये हमने ले लिया, तो ये साइड स्लोप हमारा ये है, हमने वो सेक्शन ले लिया, तो साइड स्लोप ये हमने इस साइड से देख के हमने ये ले लिया, ठीक है। इस साइड का ये पोर्शन ले लिया, ये हमारा डायग्राम यहाँ बना दिया है। तो टोटल डेप्थ होगी डी, ठीक है, और हमारी नीचे की विड्थ हो जाएगी बी। बी हमें गिवन है, कितना है हमारा बी, हमारा बी है 20, विड्थ ऑफ कैनाल गिवन है बी 20, ठीक है। और हमारा ये वाई रेशियो 1, हमारा वाई हमने कंसिडर कर लिया है, हाँ 1.5, ठीक है, 1.5 बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है इसलिए इसको कंसिडर करते हैं। और ये डेप्थ हो जाती है, और कैनाल में जो हमारी पानी की डेप्थ है वो गिवन है, पानी की डेप्थ कितनी है 1.5, ये हमारी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बी प्लस, यही फॉर्मूला होता है बी प्लस वाई डी इंटू डी, एरिया का ट्रेपीजियम, जब यहाँ पर वाई रेशियो 1 का स्लोप दिया हो, ये स्लोप जो है ना वाई रेशियो 1 का है, ठीक है, यही सेम स्लोप हमारा सेक्शन में होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बी प्लस वाई डी इंटू डी का ये फॉर्मूला होता है, इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे, 20 हमारी विड्थ होगी, 1 प्लस 1.5 इंटू 1.5 डेप्थ हो गई, और ये 1.5 हमारा स्लोप हो गया, ठीक है, और फिर हम डेप्थ से इंटू कर देंगे, हमारा एरिया निकल आएगा। तो एरिया निकल आया हमारा ट्रेपीजियम सेक्शन का, यही सेम एरिया हमारा किस सेक्शन पे होगा, सेक्शन 1-1 पे भी हमारा सेम एरिया होगा, ठीक है। ऐसा ही हमारा सेक्शन 2-2 और 3-3 का भी सेम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो,
तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए। तो हमें डिस्चार्ज पता है 25 है और एरिया हम निकाल चुके हैं 33.4, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड हमारा ट्रेपीजियम में जो वेलोसिटी है कैनाल में, ट्रेपीजियम सेक्शन में जो हमारी कैनाल की वो वेलोसिटी है वो हमें पता लग जाएगी वाटर की, ठीक है। ये हमें आगे यूज़ होगा, अभी हम निकाल लिया पहले ही हमने, ठीक है। हमें वेलोसिटी हेड की ज़रूरत पड़ेगी, अभी वेलोसिटी हेड को निकाल लेंगे हम। जो फोर्थ सेक्शन में हमारा वेलोसिटी होगी वो कितनी है, 0.75, ठीक है। ये हमारी सेम वेलोसिटी किस में होगी, हमारी सेक्शन वन में भी होगी, ठीक है। और हमारी जो टू सेक्शन की है वो हमारी थ्री सेक्शन में सेम वेलोसिटी होगी। तो वी फोर स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर बाय 2g, 2 × 9.81, ठीक है। तो हमारी ये निकल आएगी वेलोसिटी हेड। अब वेलोसिटी हेड में यही बताया था ना, ये वेलोसिटी हेड होता है हमारा फोर्थ सेक्शन का, ये हमारा फोर्थ सेक्शन है। तो अगर हम वाटर सरफेस को प्लस कर देंगे वेलोसिटी हेड के साथ, इसको ये वेलोसिटी हेड निकला है अभी हमारा 0.029, ठीक है मीटर। तो इसमें हम वाटर सरफेस का अगर हमें आर एल पता है ये प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल एनर्जी लाइन निकल आएगी। तो यही हमें अभी निकालना है, चलिए देखते कैसे करेंगे। तो आर एल ऑफ बेड हमारा क्वेश्चन में गिवन था 160 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। तो आर एल ऑफ वाटर सरफेस वो कितना हो जाएगा अगर हम वाटर डेप्थ प्लस कर दें उसमें, जो आर एल है हमारा बेड का उसमें वाटर डेप्थ प्लस कर दे, जो हमारी ये भी क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो और 161.5 आ जाएगा हमारा आर एल ऑफ वाटर सरफेस, उसमें अगर हम प्लस कर दें अब क्या वेलोसिटी हेड, ये वेलोसिटी हेड इसमें अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल, तो कितना आएगा 161.529। तो अब हम सेक्शन 33 को देखते हैं। तो हमारा सेक्शन 33 में ये आ गया हमारा, यहाँ पर रेक्टेंगल सेक्शन आ गया, तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा हमारा 10, ये जो हमारी विड्थ थी 10, वाटर की हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है वो वाटर की हाइट, ठीक है। 1.5 से इंटू कर देंगे तो हम 15 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल आएगा। तो वेलोसिटी निकालेंगे डिस्चार्ज डिवाइड बाई एरिया करके, तो ये भी हमारा निकल आएगा 1.667 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऐड भी निकाल लेंगे, फिर सीधा सा हमें इसमें डालना है V3 स्क्वायर बाय 2g, 2 × 9.81 g की वैल्यू होती है हमारी। तो यहाँ पर भी ये निकल आएगा हमारा वेलोसिटी ऐड। इसमें हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होती है जो हम, ठीक है, वो क्या होता है लॉस ऑफ हेड इन एक्सपेंशन। तो जो हमारा पानी होता है ना यहाँ से जब एक्सपेंस हो रहा होता है ना, एक्सपेंड हो रहा होता है एक्सपेंशन में, तो हमारा एक लॉस होता है, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करना होता है। वो कैलकुलेट करने के हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। 0.3 ब्रैकेट में V3 का स्क्वायर माइनस V4 का स्क्वायर, तो ठीक है V3 ये और V4 हमारा फोर्थ सेक्शन का जो वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, उसमें कैलकुलेट कर ली थी हमारी 0.75। वो डाल देंगे हम सारी वैल्यू तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.034 मीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी मोटी हो सकती है, नहीं तो नहीं है मिस्टेक, मैंने खुद कैलकुलेट किए थे सारे, तो अगर होगी तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो बाकी स्टेप देखना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर हमें बता देना है आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल एट 33, या फिर एलिवेशन भी बोल सकते हैं, आर एल हमें कैलकुलेट करना है एलिवेशन का टोटल एनर्जी लेवल का, ठीक है, 33 सेक्शन पे। तो निकल आएगा हमारा टोटल एनर्जी लेवल एट 4, तो टोटल एनर्जी लेवल जो 4 सेक्शन पे थी उसमें अगर हम हेड लॉस प्लस कर देते हैं तो हमारा आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल निकल आएगा, वो कितना निकल के आएगा 161.563 मीटर। अब हम आर एल ऑफ वाटर सरफेस एट 33, अब 33 पे वाटर सरफेस क्या हो जाएगा अगर अब हम टोटल एनर्जी लेवल में से वेलोसिटी हेड माइनस कर देते हैं, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारा कितना निकल के आया था 0.141 मीटर, ठीक है, कैलकुलेट कर चुके हैं हम उसको पहले। अगर अब वो माइनस कर देते हैं तो हमारा आर एल ऑफ वाटर सरफेस निकल आएगा, वो कितना आएगा 161.422। अब निकालना हमें आर एल ऑफ बेड, हमें वाटर सरफेस निकाली है, टोटल एनर्जी निकल बेड निकाल, ये सब हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में करके, ताकि क्योंकि हमें डिजाइन में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है, ठीक है। तो आर एल ऑफ बेड टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट वाटर डेप्थ, तो आर एल ऑफ वाटर सरफेस में से अगर हम वाटर डेप्थ को माइनस कर देते हैं, ये जो हमारी वैल्यू निकल का इसमें से वाटर डेप्थ को माइनस कर देंगे, वाटर सरफेस से वाटर डेप्थ को माइनस कर दिए तो हमारा बेड का निकल आएगा। तो आर एल ऑफ बेड निकल आएगा हमारा, जो हमारी रेक्टेंगल सेक्शन में जो हमारी बेड का लेवल होगा वो निकल आएगा हमारा आर एल रिड्यूस लेवल, ठीक है, 159.922 मीटर। चलिए अब सेक्शन 22 को देखते हैं। तो सेक्शन 22 में और हमारी सेक्शन 33 में
जो हमारी एरिया और वेलोसिटी है ना वो सेम होगी, ठीक है। तो हमने जो टू टू में कैलकुलेट की है हमारी थ्री थ्री में होगी, ठीक है। ऐसा ही हमारा सेम होगा सेक्शन वन वन और सेक्शन फोर फोर में, सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो हमें ये ज़्यादा इनमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें ये मेनिंग्स फॉर्मूला होता है हमारा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर हेड लॉस कैलकुलेट करना होता है सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए हमने मॉडिफाई कर दिया है हेड लॉस इन थ्रू, ठीक है। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो थ्रू के अंदर मतलब ये जो सेक्शन हमारा इसके अंदर थ्रू होता है हमारा, ठीक है। ये इसके अंदर जो हेड लॉस होगा ना वो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। वो इस फॉर्मूले से करते हैं हम। तो इसमें हमें एन की वैल्यू में डायरेक्ट याद रखनी है, यही होगी ये फॉर्मूला याद रखने में। और इसमें एन की वैल्यू में याद रखनी है 0.016, ठीक है। हमें यही वैल्यू याद रखनी है हमेशा, नॉर्मली इसी से क्वेश्चन आएंगे। और हमें वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं पिछले में, सेक्शन 33 में जो आई थी वो सेम होगी क्योंकि 2 और 3 की सेम होगी ना, अभी की थी हमने, ये सेम होगी ये बिल्कुल। तो ये डाल देंगे हम, ठीक है। आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये होता है एरिया बाय पैरामीटर। तो इसमें जो इसमें हमें पैरामीटर पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा वेटेड पैरामीटर लेना है। तो हमारा जो वेटेड पोर्शन होगा ना, सिर्फ हम तीन डायरेक्ट इन तीन पोर्शन को मारते हैं वेटेड, ठीक है। तो इसमें हमें बस पैरामीटर पे एक ध्यान रखना है, जो वेटेड बांधते हैं ना वो सिर्फ हम ऊपर वाली जो स्लैब को है ना उसको वेटेड पैरामीटर में कैलकुलेट नहीं करते यहाँ पर, सिर्फ इस केस में, ठीक है। तो 10 × 1.5 हो जाएगा हमारा एरिया, 10 हमारी ये विड्थ है और जो वाटर की डेप्थ है, वाटर की डेप्थ है 1.5। तो और हमारा 10 + 2 × 1.5, क्योंकि हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करें 10, ये 1.5 और ये 1.5, तो पैरामीटर निकल आएगा हमारा वेटेड पैरामीटर, ठीक है। उससे हमारी आर की वैल्यू निकल आएगी, इसको भी डाल देंगे हम, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे लेंथ से, लेंथ की हमारी लेंथ है पूरी जो वाटर वे है हमारा उसकी लेंथ है, ठीक है। जो वाटर वे होगा हमारा ड्रेनेज का, ठीक है, उससे इंटू कर देंगे, वो कितना हमारा 100.5। तो हमारा एच एल निकल आएगा, ये हमारा एच एल निकल आएगा 0.059। फिर ये हमारा एच एल जो हमारा निकल आया ना, इसके बाद हम निकाल देंगे रिड्यूस लेवल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल एट सेक्शन 22। वो कैसे निकलेगा, हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल एट 33 हम निकाल चुके हैं, उसमें जब हेड लॉस इन थ्रू इसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एनर्जी लेवल एट 22 सेक्शन निकल आएगा हमारा। उसमें से फिर हम वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो हमारा आर एल ऑफ वाटर सरफेस निकल आएगा, ठीक है। वाटर सरफेस का आर एल निकाल देंगे हम। फिर उसमें से अगर हम वाटर की डेप्थ माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, आर एल ऑफ बेड। तो हम आर एल ऑफ बेड भी निकाल देंगे उसमें से, जब वाटर की डेप्थ माइनस कर देंगे तो हमारे आर एल ऑफ बेड आ जाएगा। अब 1-1 सेक्शन कोड देख लेते हैं फटाफट। हमारा सेक्शन 1-1 पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हेड इन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा एक लॉस होगा, उसका हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। 0.2 × V2² - V1² / 2g = 0.0। हम सब वैल्यू डाल देंगे, जो 2 सेक्शन पे वेलोसिटी थी वो सेम 3 सेक्शन पे भी थी और वही हमें डाल देनी है 1.667। और जो 1 सेक्शन पे थी वही सेम वेलोसिटी हमारी 4 सेक्शन पे भी थी, वही हमारी 0.75 / 2g, 2 × 9.81। तो हम जब डाल देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0.022 मीटर। तो हम आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल एट सेक्शन 1-1 निकाल देंगे, आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल एट 22 प्लस हेड लॉस करके, ठीक है। ये हमारा जो हेड लॉस हुआ इसको प्लस कर देंगे निकाल देंगे। फिर आर एल ऑफ वाटर सरफेस हम निकाल देंगे, सेम वेलोसिटी हेड में माइनस कर देना है, जो हमारा आर एल ऑफ टोटल एनर्जी लेवल आएगा उसमें से हम वेलोसिटी हेड माइनस कर देंगे तो हमारा आर एल ऑफ वाटर सरफेस निकल आएगा। तो आर एल ऑफ वाटर सरफेस आ गया, उसमें से वाटर डेप्थ को माइनस कर देंगे तो हमारा आर एल ऑफ बेड निकल आएगा, ठीक है। यही सेम प्रोसेस हमारा सेक्शन 1-1 तक चलेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन, इसको हमें और ध्यान से देखना है। अगर हम यहीं तक करके छोड़ देते हैं ना, हमें 10+ नंबर हमारा को आराम से मिल जाएंगे, और कई क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक पूछता है। तो और हमारा अगला स्टेप आता है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारे अपने आप हो जाए, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बस टेबल बनाते हैं, इसमें थोड़ी एक बार मैं अभी कैलकुलेटर इसका थोड़ा कैलकुलेशन का वो बता दूंगा, स्टेप आप जल्दी कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ स्टेप देखते हैं, डिज़ाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन, इसके बाद हमारा एक्सपेंशन आएगा। तो इसमें कैलकुलेट करने का थोड़ा सा एक आसान सा तरीका बता दूंगा मैं, जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे उससे आप फिर।
चलिए इस स्टेप को देखते हैं। तो इसको आर्मीटर पे कैलकुलेट कर लेंगे हम, कैलकुलेटर हमारा यूज़ होगा कॉलेज में नॉर्मली, तो हम इसको बी एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, ऐसे हमारी डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी और इसका फिर हम टेबल बना देंगे। मैंने जैसे टेबल बना लिया, सारी वैल्यू तो हमें गिवन है और बी एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे। ठीक है, हमने उस फॉर्मूले में जब हमने क्या डाला, 0 डाला, 0 डालने पे हमारा आंसर तो ये नहीं आता, पर हमारी 0 पे हमारी 10 होगी। ठीक है, हमारी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, हमारी x की वैल्यू 0 तो हमारा 10 होगा, पर उसके बाद हम 1 डालेंगे, 1 डाल के हम देखते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में, ठीक है, तो हमारा आता 10.52 आ गया। जैसे हमारा 2 डाला फिर ये वैल्यू आएगी, 3 डाला हमने ये वैल्यू आएगी, 4 डाला ये वैल्यू आएगी, 5 डाला ये वैल्यू आएगी, 6 डाला ये, ऐसे करके हम 10 तक दिखा देंगे। कुछ छोड़ सकते हैं आप बीच में, चाहिए तो दो दो का गैप लेके कर लीजिए। इसमें हम डालते हैं, जैसे 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर सारे डाल के हम दिखा देंगे। और 0 पे तो हमें 10 लिख ही देना है सीधा सा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेंशन, अब जो बाहर की साइड जा रहा है एक्सपेंशन, इसमें बस यहाँ पर हमारा एल एफ चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर। ठीक है, इसमें भी हम सेम कैलकुलेट में उसी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, बी एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारा, बी एन बी एफ और हमारा एल एफ, ठीक है, बाय क्या था हमारा, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, एल एफ इंटू बी एन, एल एफ इंटू बी एन माइनस बी एन माइनस हमारा क्या था, बी एन माइनस बी एफ इंटू एक्स, ठीक है, टू एक्स, हमारी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे और हमारी ये सारी निकाल लेंगे। जैसे 0 पे तो हमारा 10 ही होगा और लास्ट में हमारा कितना निकल के आएगा, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा लास्ट में 20 मीटर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी ये लास्ट में हमारी विड्थ कितनी होती है, 20 मीटर होती है। सेम इसी केस में भी हमारी ये जो निकल के आएगी, ये लास्ट में हमारी 20 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, हमारा बस इसमें एल एफ चेंज हुआ है, बाकी हमें सेम टेबल बना के फिर दिखा देना पेपर में। हमें लास्ट स्टेप जो है अब डिज़ाइन ऑफ थ्रू, ठीक है, ये डिज़ाइन ऑफ थ्रू, जैसे हमारी ये ड्रेन है नीचे यहाँ से जाएगी, जो ऊपर का ये पोर्शन होता है इसे थ्रू बोलते हैं, इसका हम डिज़ाइन करके दिखा देते हैं। इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम ही कम होगा आपके पास, लिखने का टाइम नहीं होगा, तो आपको फटाफट लिख देना है। एक ये फ्ल्यूम वाटर वे ऑफ कैनाल कितना है, 10 मीटर, ठीक है, फ्ल्यूम जो वाटर वे है कैनाल का, ये हमारी कैनाल है, ठीक है, जो ये वाटर वे है कैनाल का वो कितना है, 10 मीटर, ये ठीक है 10 मीटर, ठीक है, ये हमारी जैसे कैनाल है, हम ये ऐसे देख रहे हैं, हम इसे इसको यहाँ पर बनेगा, ये ऐसा जैसे सेक्शन बन रहा है ना, ये पोर्शन हम इस साइड से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जैसे हमें अब रोड प्रोवाइड करना हो, तो रोड कितने, 5 मीटर हम उसके लिए जगह छोड़ देते, ठीक है, ये 10 मीटर हो गया जैसे हमारा, ठीक है, फ्ल्यूम वाटर वे, ठीक है, वाटर वे 10 मीटर है, तो इसमें हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। इसकी थिकनेस जो हमारी इंटरमीडिएट वॉल की होती है ना, वो हमारी 0.3 मीटर के पास लेते हैं, ठीक है, जो बाहर वाली वॉल की उसकी 0.4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 0.4, और जो स्लैब की थिकनेस है वो भी 0.4। बस इन्हें लिख देना है कि हम ये बना देंगे, ये डायग्राम बना के रख लेना, क्योंकि डायग्राम देख के अच्छे नंबर मिलते हैं, और बाकी फिर बस लिख देना है कि हमारी इंटरमीडिएट वॉल की थिकनेस ये, हमारी ये साइड वॉल की थिकनेस ये, हमारी स्लैब की बेड की, हमारी कैनाल के बेड की थिकनेस की ये, ठीक है, ये हमें लिख देना। और फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड हमारा होता है 0.6 मीटर के पास, ठीक है, आप 0.7 भी ले सकते हैं, ठीक है, जितना आपको लेना है आपकी मर्जी है। तो हम बोल देंगे फ्री बोर्ड के हमारा जैसे पानी का लेवल था 1.5 मीटर तक हमारा कैनाल में, उसके बाद जो फ्री लेवल हमने छोड़ा हुआ है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, ठीक है, उसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। ऐसे ही हमें लिख देना, ये थोड़ा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें सिर्फ बस ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लिख देने, टाइम नहीं मिलेगा पेपर में इतना करने का। ऐसे मैंने अच्छे से लिख दिए इनको जैसे, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, इंटायर थ्रू सेक्शन विल बी कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिक रेनफोर्समेंट कंक्रीट, बस थोड़ा सा लिख दिया कि हमने पूरा रेनफोर्समेंट बनाया और रेनफोर्समेंट का यूज़ किया पूरे में, ठीक है, आउटर वॉल की थिकनेस, बस ऐसे लिख देना, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। द आउटर विड्थ ऑफ द थ्रू, तो आउटर विड्थ तक कितना हो जाएगा, जैसे ये हमारी होगी ना आउटर विड्थ तक, ये हो जाएगी ना हमारी, बीच में से इंटरमीडिएट भी है तो 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.4 है,
तो 0.4 टू बार है, 2 बार 2 से इंटू कर दिया, ये हमारी 10 है टोटल, जैसे ये 5 ठीक है, और 0.3 और प्लस कर दिया तो हमारी टोटल निकल आएगी। ये भी एक बार निकाल के दिखा देना है, बस इतना ही हम डिज़ाइन स्टेप में कर देते ना तो हमको पूरे 15 प्लस और 20 तक नंबर मिल ही जाएंगे, इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं करना। आप बोलेंगे तो आपको मैं और न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगा। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ जैसे MDU की यूनिवर्सिटी में पूछे हुए हैं, जैसे कि है क्या डिज़ाइन ए साइफन एक्विडक्ट विद द फॉलोइंग डाटा, सेम डाटा दिया होगा, डिस्चार्ज दिया होगा, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना सेम, बिल्कुल यही सारे स्टेप करने हैं हमें, बस वैल्यू डिफरेंस मिलेगी आपको न्यूमेरिकल में। सेम सारे डिज़ाइन स्टेप है, सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटरवे, सेम फॉर्मूला लगेगा, सारी चीज़ें सेम डलेगी, ठीक है। इसमें बैरल वाला पोर्शन कर दिया है, हमें नहीं करना, हमें छोड़ देना है, क्योंकि बैरल का इसमें पूछा नहीं है, पूछा मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर स्पेशली मेंशन हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा बैरल वाला पोर्शन करने का, ठीक है। फिर कैनाल का वाटरवे सेम वही हमारा, इसमें 24 मीटर आ गया जैसे, ठीक है, 2:1 लेना है और ये हमें 3:1 लेना है एक्सपेंशन में। सेम हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका भी, डिज़ाइन ऑफ बेड लेवल डिफरेंट सेक्शन, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला लग रहा हमारा, ठीक है, ये 1.5 हमारा यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ये हमें मेंशन कर देना है कि हम 1.5:1 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेम सारे स्टेप ये हमें इसमें डायग्राम और अच्छे से बना के दिखा दिया जैसे, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी हेड प्लस कर देते हैं जब हम वाटर सरफेस पे, तो हमारा ये निकल आता है। तो सेम ऐसा ही है, सारी चीज़ें सेम हर सेक्शन पे निकाल दिया इस पर, ठीक है, सेक्शन 2:2 डिज़ाइन कर दिया, 1:1 डिज़ाइन कर दिया, यही बहुत हो जाते हैं क्योंकि फिर टाइम ही मिलेगा जैसे। और यही है हमारा डिज़ाइन ऑफ ट्रांजिशन, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू डाल डाल के दिखा देते हैं और टेबल बना देते हैं। जैसे मैं 2-2 मीटर पे ले लिया, आप भी 2-2 मीटर पे ले सकते हैं, ठीक है, 3-3 पे ले लीजिए अगर है तो गैप इतना, ठीक है, इस तक ही करना है हमें, क्योंकि इसके आगे अगर हम करने लगे ना हमारा टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट, इस तक करके हमें छोड़ देना है इस तक का ये डिज़ाइन, और साथ में डायग्राम बना देंगे ना बहुत अच्छा रहेगा, इस तक करके हमें छोड़ देना है, क्योंकि इसके बाद अगर हम करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा हो जाएगा बैरल वाला। मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछेंगे कि आपको पूरा ही करना है, नहीं तो आपको 15 प्लस नंबर यहीं तक मिल जाएंगे, ठीक है, 15 प्लस नंबर यहीं तक मिल जाएंगे, और टीचर भी सही हुआ तो 20 नंबर के पास ही देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप पूछते नहीं है, वैसे पूछना भी नहीं चाहिए। अब मैं दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ इस पेपर, ठीक है, एक क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था, यही था 2015 वाले में भी आया हुआ है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, ठीक है, ये जैसे इसमें तो इसमें मेंशन कर दिया, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें मेंशन कर दिया मैं क्या ना ड्रेनेज वाटर वे हमें डिज़ाइन करके दिखाना, कैनल वाटर वे और लेवल है डिफरेंट सेक्शन, सिर्फ हमें 3 स्टेप करने हैं, सिंपल 20 नंबर आपके पक्का है, इसमें सिर्फ 3 स्टेप बोल दिए तो आपको थ्रू कुछ सेक्शन नहीं देखना, सिर्फ ये 3 स्टेप करने हैं हमें, सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ड्रेनेज का वाटर वे और ये और लेवल डिफरेंट सेक्शन पे, और ये हमें फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, इसमें खुद मेंशन कर दिया, और पर इसमें आपको सबका डायग्राम बना देना है, ये बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें पहले हमारा ड्रेनेज वाटर वे वही सेम स्टेप, हमारा डिज़ाइन ऑफ कैनल वाटर वे सेम स्टेप, हमारे 2 स्टेप तो फटाफट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हमें बस इसका डायग्राम भी बना देना है, और हमें फिर डिफरेंट सेक्शन पे हमारा तीसरा स्टेप है डिज़ाइन ऑफ लेवल है डिफरेंट सेक्शन, हमें तीनों सेक्शन पे बता देना है, बस तीनों सेक्शन 2:2 और 1:1 इतना ही पूछा हुआ था। और लास्ट में हमें एक बार इसका डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये वाला बोला हुआ है कि नहीं बोला हुआ है, इसका डायग्राम का कुछ नहीं बोला हुआ, बाकी बस ये डायग्राम बना देना, ये ज़रूर बना देना, ये भी आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बस सेक्शन तक निकालने बोला था, ये निकाल के आप छोड़ देंगे। और हम डिज़ाइन ऑफ सरदार टाइप फॉल भी देखेंगे और हम डिज़ाइन ऑफ गाइड बैंक भी देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो भी हम देखेंगे, और बोलेंगे जिसका डिज़ाइन हम उसका भी करवा देंगे। एक क्वेश्चन देखिए ये आया हुआ सेम, ये इसमें हमें क्या पूछ लिया, इसमें हमारा एक और स्टेप पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ड्रेनेज वाटर वे, ठीक है, कैनाल वाटर वे, ठीक है, ये 2 सेम है, लेवल है डिफरेंट सेक्शन, और हमें बोल दिया इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ट्रांजिशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, सेम डाटा दिया होगा, वैल्यू डिफरेंस होगी, बस सेम यही हमें करना है, बस इसमें हमें बस यही बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन और एक्सपेंशन का दोनों का हमें ये फॉर्मूले में डाल के, इसमें हमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया, ये चतुर्वेदी फॉर्मूला है, ठीक है, पर हम वो मीटर हाइपरबोलिक फॉर्मूला जो होता है ना वो इजी होता है, वो याद करने में भी आसानी होती है और उससे हमारा जल्दी निकलता है, उससे कैलकुलेशन आसान होती है, ठीक है, वो कर लीजिए, वो ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं, इनको आप गैप दे दे के भी सोल्व कर सकते हैं। सेम बस ये 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, बस इतना ये 2 स्टेप कर दिए
और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जैसे ही आया हुआ है। जैसे ठीक है, बाकी तो और शायद क्वेश्चन आए नहीं है। एक ही रहा, इसमें भी पूछा होगा क्या, इसमें भी कुछ नहीं बोला हुआ है, तो आपको दूर तक का डिज़ाइन करके छोड़ देना है, उससे आगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो डिज़ाइन इसमें भी थ्रू तक की डिज़ाइन करके छोड़ा हुआ है, डिज़ाइन ऑफ थ्रू तक करके हमें छोड़ देना, आगे जाना ही नहीं है, इसमें तो छोड़ा इतना ही हुआ है, ठीक है। सैम्पल पेपर है, इतना करके छोड़ देना है, इससे ज़्यादा आप जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है, इस तक करके छोड़ देना है। तो और भी अगर आपको किसी और का डिज़ाइन पूछना हो, और कुछ पूछना हो इरीगेशन में या किसी सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।